गरीबी एक ऐसा शब्द है जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है ना जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। यदि हम टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो 415 मिलियन लोग 2005 से लेकर 2021 के बीच गरीबी से बाहर निकले हैं और लगातार अब भी निकल भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर गरीब माना किसे जाता है। तो जिस किसी भी इंसान की इनकम उसकी मामूली खर्चों को अच्छे से पूरा ना कर पाए उस इंसान को गरीब कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि यदि आप भी गरीबी से एक कदम अमीरी की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस लाने होंगे जिसके चलते आप भी इन चक्र को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला और जो नंबर वन आपको अपने अंदर चेंजेस लाना है वो है चेंज योर माइंडसेट। जी हाँ, आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी इंसान गरीब पैसों से नहीं होता है बल्कि अपने माइंड से होता है। तो क्यों ना हम माइंड के सोचने का तरीका ही चेंज कर दें। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है यार कि एक दिन में 24 घंटा सबको मिलता है, सबको, तो आखिर कैसे कोई इन 24 घंटों में लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है और कोई सिर्फ 400 से 500 रुपए। यहां पर माइंड काम करता है और साफ फर्क पता चल जाता है कि माइंड का ही खेल है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो देखिए, जो रिच मेंटेलिटी वाले होते हैं ना, उनके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको खुद पे भरोसा होता है और उनको लगता है कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे कर दूंगा, जिसके चलते वो मोटा पैसा बना पाते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं। और जो पुअर मेंटेलिटी वाले होते हैं ना, उनको खुद पे भरोसा नहीं होता है और ना ही अपने माइंड पे भरोसा होता है, जिसके चलते वो ना मोटा पैसा बना पाते हैं और ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो यदि आपको अपने लाइफ में कुछ भी करना है ना, और यदि आप भी चाहते हैं गरीबी से एक कदम अमीरी की तरफ हम बढ़ाए, तो आपको सबसे पहले जो काम करना होगा ना, वो करना होगा आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जी हाँ, जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, वो है कम्फर्ट जोन। ये जो कम्फर्ट जोन है ना, इसकी लत यदि किसी को भी पड़ जाए ना, तो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कंफर्ट जोन में इंसान सीमित रह जाता है, कुछ करना चाहता ही नहीं है। और ये जितनी भी पुअर मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं ना, उनकी एक सोच होती है और वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि यार एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, एक अच्छा सा पैकेज मिल जाए और क्या, लाइफ सेट है। और यहीं पे वो मार खा जाते हैं, क्योंकि यदि आपने सोच लिया कि लाइफ सेट है तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, ना आप लाइफ में आगे कुछ अचीव कर सकते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि लाइफ सेट है, उस दिन आपकी कहानी खत्म। उस दिन से आप ये 9 से 5 के बीच बंध के रह जाएंगे, आप एक कैदी बन जाएंगे, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं ना कि हम गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़े, तो आपको ये कंफर्ट जोन को भी छोड़ना होगा, क्योंकि ये कंफर्ट जोन बहुत लोगों को बर्बाद कर चुका है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, वो है मेक योर मॉर्निंग रूटीन। ये मॉर्निंग रूटीन आप सुनकर सोच रहे होंगे ये मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, हमने डेली रूटीन सुना था। मॉर्निंग रूटीन होता है जब आप सुबह उठते हैं ना, सुबह उठने से लेकर 2-3 घंटे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। ये जितने भी अमीर लोग होते हैं या रिच माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो सुबह उठने के बाद 2 से 3 घंटे खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी करना है उन्हें खुद करना है, तो खुद को तो टाइम देना होगा। तो सबसे पहले वो अपना टाइम अपने को ही देते हैं, जिसके चलते वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सबका, आप जितने भी लोगों को देख लो, जितने भी अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, उनका एक ना एक मॉर्निंग रूटीन होगा ही, और वो डेली एक दिन भी मिस नहीं करते, डेली उस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं, और जिसके चलते आज वो यहाँ पे हैं। तो यदि आपको भी कुछ हासिल करना है, आप भी चाहते हैं इस गरीबी की रेखा को तोड़कर अमीरी की तरफ बढ़ना, तो आपको भी अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाना होगा और उसे फॉलो करना होगा। क्योंकि मैंने कहावत सुना है, अमीर लोगों में बहुत फेमस है, कि एक दिन का खाना छोड़ दो पर ये मॉर्निंग रूटीन कभी मिस मत करो। आप जिस दिन मॉर्निंग रूटीन मिस कर दिए ना, उस दिन आप अपनी जिंदगी को मिस करना शुरू कर देंगे उस दिन से। तो अपना मॉर्निंग रूटीन बनाइए और लाइफ को सक्सेस बनाइए। अब बढ़ते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, आपको अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए।
क्योंकि आप यदि दुनिया में अपना सब कुछ खो देना तो आप दोबारा पा सकते हैं, पर यदि आप अपना समय एक बार गंवा दिए ना तो उसे कभी भी नहीं पा सकते हैं, कभी भी नहीं। तो आपको अपना टाइम मैनेज करना काफी अच्छा से आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कितना अपना टाइम देना है और कहाँ पे कितने समय में जाना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने टू डू लिस्ट का तो नाम सुना ही होगा, मैंने एक और वीडियो में इसका जिक्र किया है। ये टू डू लिस्ट होता है ना, ये वही काम करता है। आप सुबह उठिए और टू डू लिस्ट पे लिखिए कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या करना है, कहाँ पे कितना समय देना है, कहाँ पे जाना है और किसके बाद हमें कौन सा काम करना है। और यदि आप ये करेंगे ना तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं रहेगा, आप एकदम जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपने काम को करते जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं अपना टाइम यहाँ पे बेकार दे रहा हूँ, यहाँ पे मतलब होता नहीं एक अंदर से बहुत बुरा लगता है यदि कोई टाइम बर्बाद करता है अपना, तो थोड़ी देर बाद उसको पछतावा होती है। तो क्यों ना हम अपने टाइम का हिसाब किताब रखें। पैसों का तो हिसाब किताब सभी लोग रखते हैं, सभी लोगों के पास पैसों का हिसाब किताब होता है कि हाँ मेरा यहाँ पैसा इतना गया, यहाँ पैसा इतना गया, पर पैसा आता किससे है, समय से ही ना आता है। यहाँ पे आप इतना समय देंगे उस हिसाब से आपके पास पैसा आता है, तो आप पैसे के साथ साथ अपने टाइम का भी हिसाब रखिए ना, क्योंकि टाइम इज मनी। तो अब आते हैं अपने पांचवे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, आप लोगों ने इतना सब तो सुन लिया कि सबसे पहले मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है, उसके बाद कंफर्ट जोन को छोड़ना है, उसके बाद अपना मॉर्निंग रूटीन बनाना है, उसके बाद टाइम मैनेज करना है। ये करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच लिए। बड़े बड़े लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को देखकर कि हम भी अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाएंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, पर ये क्या इतना ही आसान है? यदि इतना आसान होता ना तो आप आज इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, आज आप कुछ और होते इसके जगह पर। तो आप ये मत सोचिए कि आसान है, इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए और आप इस पर मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ नहीं होता है। बिना दर्द का आप सफल हो ही नहीं सकते, दर्द है तभी आप कुछ कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने आप को और बेहतर बनाने में जुटे रहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे ना तो लोग आपको और बेहतर बनाएंगे। जब आप खुद पे काम करना छोड़ देंगे ना, आप उस समय बर्बाद हो जाएंगे। तो आप खुद पे काम करना कभी भी बंद मत कीजिए, आप ये कंसिस्टेंसी बनाए रखिए कि हाँ आज मैं फिर उठा, अपना मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करूंगा, आज मैं यहाँ पे इतने बजे जाऊंगा, अपना ये टाइम इतने बजे दूंगा, इनको दूंगा, यहाँ पर जाना है। ये सब आप अपने एक नोटबुक में लिखिए ना यार, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पांचों चीज आपको फॉलो करना है। सबसे पहला क्या, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। दूसरा, आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। तीसरा, आपको अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाना है। चौथा, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेज करना है कहाँ पे हम कितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और पांचवा, इन सब कामों के लिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो भाई को सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।